दोस्तों, कोई कितना ही ओछापन कर सकता है और कितनी ही गिरी हुई हरकत कर सकता है, ये तो बॉलीवुड से बेहतर कोई नहीं बता सकता। यही वाहियात हरकत की है आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स ने। वैसे तो फिल्म के मेकर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर ये सरासर अपमान है हमारी धरोहर, हमारी रामायण का, जो कि इन्होंने आदि पुरुष मूवी के जरिए की है। बात करें मूवी की, तो मूवी जैसे पता है हमारे महाकाव्य रामायण की कहानी को बयां करती हुई दिखती है। सच कहूं तो ये रामायण को बयां ना करके केवल उसके पात्रों को अपमानित कर रही है और उन पात्रों को एक भद्दा मजाक बनाकर रख देती है। जिस तरह से श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण जैसे प्रमुख पात्रों को फिल्म में दिखाया है, उस तरह से तो वो बिल्कुल भी नहीं थे। और जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग करते हुए दर्शाए गए हैं, वो तो दूर दूर तक एक महाकाव्य में नहीं हो सकती। और जिस तरह से श्रीराम के कैरेक्टर को एग्रेसिव दिखाया है, ऐसे तो श्रीराम दूर दूर तक भी नहीं थे। मैं भी इसी बात से एग्री करूंगा कि प्रभास इस रोल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं करते थे। वहीं हमारे बजरंगबली महाबली हनुमान जी के कैरेक्टर को इस तरह से पोर्ट्रेट किया हुआ है जैसे कि वो कोई टपोरी हो। स्क्रिप्ट में ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग किया है कि सुनने में ही कान से खून निकल जाए। हनुमान जी कह रहे होते हैं कि तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी तेरे बाप की। अपनी बुद्धिहीनता और अखंड धूर्तता का प्रमाण देते हुए डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर ये डायलॉग जानबूझकर मूवी में डाल देते हैं। क्या कोई इतना मूर्ख हो सकता है कि उसे पता ही ना चले कि एक महाकाव्य में किस तरह की भाषा कर रही होगी? ये तो कोई भी बिना पढ़े अपने कॉमन सेंस से बता सकता है। वहीं दूसरी तरफ रावण की लंका सोने की थी, पर यहाँ पे उसे ग्रहण लग गया था। और ये क्या है भाई, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान था और दूसरी बात वो बहुत बड़ा ब्राह्मण आदमी था। ये क्या रावण की भाषा दी गई है मूवी में? और रावण के पास एक पुष्पक विमान था, बच्चा बच्चा ये बात जानता है। इन्होंने पता नहीं कौन से जानवर मूवी में दिखा दिए हैं। चमगादड़ भी उससे खूबसूरत लगेगा। मूवी में एनिमेशन और VFX तो छोड़ी दो, पता नहीं CGI VFX टीम कौन से नशे करके काम करती थी। पूरे मूवी हॉल में लगभग सभी लोग हंस रहे थे केवल अपने ही भगवानों के ऊपर। ये सब झूठी शान है इस देश के लोगों की। एक तरफ जय श्री राम के नारे लगाते हैं, दूसरी तरफ अपने ही देवताओं पर बनते हुए मजाक को देखकर उस पर ठहाके लगा रहे होते हैं। पर सच में मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये तो हमारे श्री राम और हनुमान जी का सरासर अपमान है। और उससे भी बुरा तो ये है कि मूवी देखने के लिए अभी भी हाउसफुल है। जिस मूवी को बॉयकॉट करना चाहिए था, वो मूवी हाउसफुल जा रही है। ये तो सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर आपने ये मूवी देखी तो अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं देखी तो प्लीज मत जाओ देखने, बॉयकॉट दिस मूवी, क्योंकि ऐसे में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को सबक मिलना ही चाहिए, वरना ऐसे में लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मिल ही जाएगा तो क्या ही फायदा इतने आक्रोश का? उन्हें तो समझ आ जाएगा कि ऐसी फिल्में बनाने से ही फायदा है। आप ये वीडियो मूवी स्टोर पर देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।